मुंबई इंडियंस को आखिरी ओवर में चाहिए थे 19 रन, 3 गेंदों में गिरे 3 विकेट, टूट गया पांड्या का घमंड। नीता अंबानी देखती रह गई, रोहित ने ले लिया घमंडी पांड्या से बदला। चलते मैच में 80,000 लोग पांड्या को क्यों बोलने लगे थे कुत्ता। सच हुई क्रिकेट का अड्डा की भविष्यवाणी, पहला ही मैच हार गई मुंबई इंडियंस। गिल हुए कप्तानी में पास, आशीष नेहरा ने जीता दिल। मैं तो पहले ही बोल दिया था इस बार मुंबई इंडियंस एक भी मैच नहीं जीत पाएगी, जिसकी शुरुआत मोदी स्टेडियम से हो चुकी है। धोखेबाज हार्दिक पांड्या का घमंड टूटना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, और पहले ही मैच में पांड्या का घमंड टूटा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। नीता अंबानी देखती रह गई, रोहित शर्मा ने घमंडी हार्दिक पांड्या को दिखा दिया उसकी असली औकात। हार्दिक पांड्या की बर्बादी पर खुशी से झूम उठा पूरा हिंदुस्तान। दोस्तों आखिरी ओवर के उस रोमांच पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को बताता हूँ मोदी स्टेडियम में घमंडी हार्दिक पांड्या का किस तरह से स्वागत किया गया था। दोस्तों टॉस के समय ही मोदी स्टेडियम पर बैठे 80,000 लोग रोहित रोहित के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। चलते मैच के दौरान कोई हार्दिक पांड्या को गद्दार बोल रहा था तो कोई धोखेबाज, यहाँ तक कि काफी लोग हार्दिक पांड्या को छपरी छपरी बोलकर जोर जोर से चिढ़ा रहे थे। एक समय ऐसा भी देखने को मिला था कि ग्राउंड पर ही एक कुत्ता जाकर दौड़ने लगता है। उस कुत्ते को देखकर स्टेडियम पर बैठे 80,000 से अधिक दर्शक पांड्या पांड्या चिल्लाने लगे थे। मुंबई इंडियंस के साथ साथ गुजरात टाइटंस के फैंस भी हार्दिक पांड्या को खूब ट्रोल कर रहे थे, मानो वह सब यह कह रहे हों कि रोहित शर्मा के फैंस उस कुत्ते की तुलना हार्दिक पांड्या से करने लगे थे, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल भी देखने को मिला था। दोस्तों इस करो या मरो के मुकाबले में गुजरात टाइटंस के नए कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रनों का स्कोर खड़ा किया था। गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल ने शानदार 31 रनों की शानदार पारी खेली थी, तो वहीं पर साई सुदर्शन ने भी 39 गेंदों का सामना करते हुए 45 रनों का योगदान दिया था। देखिए गुजरात टाइटंस द्वारा दिए गए 168 रनों के जवाब में मुंबई इंडियंस की शुरुआत भी काफी ज्यादा घटिया रही। मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन पहले ही ओवर में बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा भी इस मैच में बदले की आग में धधक रहे थे, और रोहित शर्मा गुस्सा निकालते हुए गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ पहली गेंद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, और पूरे मोदी स्टेडियम पर बैठे लाखों दर्शक रोहित रोहित के नारे जोर जोर से लगा रहे थे और हार्दिक पांड्या को लगातार चिढ़ा रहे थे। दोस्तों रोहित शर्मा ने इस मैच में सिर्फ 29 गेंदों का सामना करते हुए 43 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। हालांकि रोहित शर्मा एक बार फिर से अपने हाफ सेंचुरी से चूक जाते हैं। जब तक डेवाल्ड ब्रेविस और तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इस मैच में गुजरात टाइटंस को आसानी से हरा देगी, लेकिन ब्रेविस और तिलक वर्मा के आउट होते ही एक बार फिर से लगने लगा कि गुजरात टाइटंस इस मैच में हावी हो जाएगी। आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को मैच जीतने के लिए 19 रन चाहिए थे, और 3 गेंदों पर ही मुंबई इंडियंस के 3 विकेट गिर जाते हैं। उमेश यादव ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हैं और मुंबई इंडियंस टीम शुभमन गिल की कप्तानी वाली नई नवेली टीम से 4 रनों से बुरी तरह से हार जाती है, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या को जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। शुभमन गिल के साथ साथ गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा की भी काफी ज्यादा तारीफें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि दोस्तों आशीष नेहरा लगातार ग्राउंड के बगल खड़े हुए थे और अपने गेंदबाजों को खूब मोटिवेट कर रहे थे, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस यह मैच हारा हुआ मैच जीत में हासिल करने में कामयाब हो पाती है।